हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें हमें बात करनी है कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है एज यूजुअल आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट की बात करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम बात करने वाले हैं। तो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। आज जो हमें बात करनी है वो है, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, सेकंड इज बल्क कंपाउंडिंग, आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज एंड इनकम्पैटिबिलिटीज, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो छोटा सा चैप्टर रहने वाला है, फटाफट समझ के एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल। कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स का क्या मतलब होता है, सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है। तो कंपाउंडिंग, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जब हम दो या दो से ज्यादा मेडिसिन को पीस के क्रस्ट करके हम एक सिंगल डोज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो प्रॉपर टैबलेट नहीं ले पाते, तो अगर उनको कोई बीमारी होती है तो हम दो या तीन से ज्यादा मेडिसिन को पीस के एक सिंगल डोज में उन्हें दे देते हैं, तो उसको बोला जाता है कंपाउंडिंग। क्रस्ट करके जो पीस के दी जाती है, क्रस्ट करके दी जाती है, मोर्टार क्रिस्टल में आपने देखा होगा क्रस्ट कर लेते हैं, पीस लेते हैं, तो उसमें क्या बन जाता है, वो एक सिंगल डोज में बन जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपके पास तीन टैबलेट हैं, ठीक है, अगर आप इनको ओरली लेते हो तो ये तीन डोज बनेंगी, लेकिन अगर आप इनको पीस के लेते हो तो ये क्या बन जाएंगी, तीनों की तीनों एक सिंगल डोज बन जाएंगी, तो उसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है न्यू फॉर्मुलेशन, ठीक है, एक या एक से ज्यादा जब हम मेडिसिन को मिक्स करके एक न्यू फॉर्मुलेशन बनाते हैं उसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। अब आप पूछ सकते हो कि भाई इसको बनाना क्यों जरूरी है, तो कंपाउंडिंग का यूज जो किया जाता है वो तब किया जाता है जब हमें उस, जैसे सपोज कीजिए आपको एक प्रॉपर डोज में चाहिए और मार्केट में वो प्रॉपर डोज में अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, मिक्स कर दोगे उन मेडिसिन को और एक डोज उस डोज में बना दोगे जो आपको चाहिए। तो जब ऐसी डोज जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तब हम कंपाउंडिंग करते हैं। ये मेनली हॉस्पिटल्स में होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, यानी कि हमें बात करनी है जो हॉस्पिटल में कंपाउंडिंग होती है उसके बारे में। तो कंपाउंडिंग का मतलब यहाँ पे जो है वो है जब हम दो या दो से ज्यादा मेडिसिन को मिक्स करके एक सिंगल डोज बनाते हैं उसको बोला जाता है कंपाउंडिंग। क्यों बनाते हैं, क्योंकि मार्केट में उस डोज में अवेलेबल नहीं है या फिर हमें एक प्रॉपर डोज में चाहिए, उस डोज के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। कंपाउंडिंग जो होते हैं मेनली हॉस्पिटल्स में होते हैं, ये एक टाइप की प्रोसेस है जिसमें प्रिपेयर किया जाता है एक न्यू फॉर्मुलेशन को और मिक्स की जाती है दो या दो से ज्यादा मेडिसिन को। अब मिक्स करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी ड्रग मेडिसिन मिक्स कर दो, इसमें भी क्या है, जो भी मेडिसिन आपस में कंबाइन कॉम्बिनेट करती है उसी को हमें क्या करना है, मिक्स करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल इन्वायरमेंट, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी मिक्स कर दो, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, मेनली फार्मेसी में होता है। तो हॉस्पिटल में क्या रहता है, कंपाउंडिंग के लिए जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें एक स्पेस रहता है जहां पे आप ये कंपाउंडिंग कर सकते हो। आपने देखा भी होगा कि जो पहले लोग होते थे वो मोर्टार क्रिस्टल में क्रस्ट करके मेडिसिन को बनाते थे ना, जब सिंगल डोज हमें नहीं मिलती थी तो वो क्या करते थे, मोर्टार क्रिस्टल में पीस के दो तीन मेडिसिन को तब एक न्यू डोज बनाते थे, ठीक है। मेनली ये जो प्रोसेस है, ये जो कंडीशन है, ये क्या करता है, एक न्यू फॉर्मुलेशन को क्रिएट करता है मेडिसिन की, ठीक है, एडजस्ट करता है मेडिसिन की स्ट्रेंथ को, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मेडिसिन मिला दो। और ये कब होता है, ये जो कंपाउंडिंग होता है, ये सिंगल लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन समझो तो इसका मतलब है कंबाइनिंग मल्टीपल मेडिकेशन, यानी कि एक से ज्यादा इनटू ए सिंगल डोज, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। यानी कि इतने प्रॉपर वर्ड में आपका क्या आ जाता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, कंबाइनिंग मल्टीपल मेडिकेशन इनटू ए सिंगल डोज, ठीक। हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंडिंग कि क्यों रिक्वायरमेंट हुई वो एक बार पढ़ लेते हैं। बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ डोज फॉर्म, यानी कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो डोजेस की फॉर्म है वो लिमिटेड हो जाएंगी। उसके बाद लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं आप कोई भी मेडिसिन को उठा के कोई भी डाल दे रही हो, ठीक है। न्यू थेरेपेटिक अप्रोचेस, इन सारी चीजों को अगर हम करते हैं कंपाउंडिंग करते हैं तो हमें एक थेरेपेटिक, न्यू थेरेपेटिक अप्रोच, न्यू थेरेपेटिक एक्शन शो होता है, ठीक है। कंपाउंडिंग जो होगा वो ऐसा नहीं कि कोई भी कर लेगा, ऐसा नहीं है, अंडर द सुपरविजन होगा, जो वहां पे लाइसेंस फार्मासिस्ट प्रेजेंट होगा उसके सुपरविजन में होगा,
ठीक है, जो भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने के करने हैं आपको, प्रॉपर फॉलो करना है ठीक है, क्योंकि आपको जो करना है मेनली पेशेंट की सेफ्टी और मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को आपको इंश्योर करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिसिन आप किसी भी पेशेंट्स को देते, तो आपको सेफ्टी और इफेक्टिवनेस दोनों ही इंश्योर करना है कंपाउंडिंग मेडिकेशन में, इसीलिए एक अंडर द सुपरविजन होना चाहिए लाइसेंस फार्मासिस्ट। अब रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कंपाउंडिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो कंपाउंडिंग होती है वो मेनली हॉस्पिटल्स में होती है, आप अपने घर पे बैठ के कंपाउंडिंग नहीं कर सकते हो, तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए असेप्टिक एरिया, असेप्टिक एरिया जहाँ पे बैक्टीरिया वायरस फंगी ये सब इंजेक्ट ना करें ठीक है, वरना अदरवाइज बहुत सारी चीजें जो है वो खराब हो सकती है। रूम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए जो भी मेडिसिन का है ठीक है। उसके बाद कुछ नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि कंपाउंडिंग प्लेटफॉर्म का जैसे मैंने अभी बताया जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, तो फार्मेसी तो खैर होती है लेकिन फार्मेसी से अलग एक क्या होता है एक रूम टाइप हो जाता है, तो वहां पे सिर्फ कंपाउंडिंग होती है ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग बनाए होते हैं, तो कंपाउंडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि जहाँ पे जो कंपाउंडिंग है वो अलग रूम में हो। लैब कोट और ग्लव्स होना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है ग्लव्स है क्योंकि बैक्टीरिया के चांसेस रहते हैं ठीक है। स्टराइल इक्विपमेंट लाइक मोर्टार एंड पेस्टल ठीक है, जो कंपाउंडिंग आप करते हो जो क्रस्ट मेडिसिन को करते हो वो प्रॉपर जो भी इक्विपमेंट में हम क्या यूज करते हैं जैसे कि मोर्टार पिस्टल है, तो मोर्टार पिस्टल में क्या है वो स्टराइल हो, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस ना हो, प्रॉपर स्टराइल हो ठीक है। उसके बाद स्टराइल कंटेनर एंड क्लोजर यानी कि जब क्रस्ट करके जो पिसी हुई दवाई है उसको आप जिस कंटेनर में भरते हो वो भी क्या होना चाहिए क्लीन और स्टराइल होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है ध्यान रखना है। पैकेजिंग मटेरियल सेम ऐसे ही वो भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो, जैसे कि एयर टाइट कंटेनर यूज होते हैं ज्यादातर मेडिसिन में, तो एयर टाइट कंटेनर हो, तो ये कुछ आइडियल रिक्वायरमेंट्स है जो कंपाउंडिंग के टाइम पे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आते हैं बल्क कंपाउंडिंग। अब बल्क कंपाउंडिंग का क्या मतलब है, कंपाउंडिंग का मतलब आप समझ गए जब हम क्या करते हैं दो या दो से अधिक मेडिसिन को कंबाइन करके एक सिंगल डोज बनाते हैं। अब बल्क का मतलब क्या है, बल्क का मतलब होता है बहुत सारे बना के आपने अपना हॉस्पिटल्स में रख लिए, जैसे जैसे पेशेंट आते रहे वैसे वैसे आप उनको डोज में देते रहे, तो बल्क कंपाउंडिंग का मतलब होता है बल्क में अपना जो भी कंपाउंडिंग है वो कर लेना ठीक है। तो मेनली होता क्या है कि हॉस्पिटल्स में अगर आपको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन है ये डॉक्टर बहुत सारा प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब हर टाइम पे ये ज्यादातर यही प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप पहले से भी कंपाउंडिंग करके उनको स्टोर करके रख सकते हो, तो उसको बोला जाता है बल्क कंपाउंडिंग। यानी कि बल्क कंपाउंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जब आप जो कंपाउंडिंग हम कर रहे थे वो पेशेंट्स के सामने ना करके मतलब साथ के साथ ना करके हमने पहले से ही उसको क्या रख लिया स्टोर करके रख लिया, जैसे आपके पास पेशेंट आया वैसे आपने उसको वो दे दिया, तो उसको बोला जाता है बल्क कंपाउंडिंग ठीक है। ये क्या होते हैं इन हाउस प्रिपरेशन होती है, इन हाउस प्रिपरेशन का क्या मतलब है जो हॉस्पिटल्स में ही होती है, इंटरनली होती है, इसमें कोई एक्सटर्नली सोर्स यूज नहीं होता है, तो इन हाउस प्रोसेस होती है। इसमें मेनली क्या होता है लार्ज क्वांटिटी की प्रिपरेशन हम करते हैं, लार्ज क्वांटिटी मेडिसिन को क्या करते हैं कंपाउंडिंग करते हैं, उनकी प्रिपरेशन करके उनको स्टोर कर लेते हैं और हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं ठीक है। बल्क कंपाउंडिंग मैंने बता दिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम इसको बल्क में एक से ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में हम इसको बना के रख रहे हैं ठीक है। मेनली ये भी क्या है न्यू फॉर्मुलेशन है, ये आप पढ़ चुके हो कंपाउंडिंग में, बस यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है वो है बल्क। तो बल्क का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारी मेडिसिन को कंपाउंडिंग करके अपने हॉस्पिटल्स में रख ले ठीक है। एडजस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन कंबाइनिंग मल्टीपल मेडिकेशन इन टू ए सिंगल डोज, उसको बोला जाता है बल्क कंपाउंडिंग ठीक है। इट इज यूजली डन इन ए कंट्रोल इन्वायरमेंट, जो क्या है इन्वायरमेंट कंट्रोल रहे, जैसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज किया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ ए लाइसेंस फार्मासिस्ट, जिससे कि कोई भी गलती ना हो कंपाउंडिंग में ठीक है। मेनली इसका जो गोल है वो क्या है, एक कंसिस्टेंस और कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई प्रोवाइड करने का इसका मेन गोल है मेडिसिन का पेशेंट्स को, यानी कि जो मेडिसिन है मेडिसिन की अगर सप्लाई हो रही है तो उनके जो कॉस्ट है वो इफेक्टिव हो और कंसिस्टेंट हो ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बल्क कंपाउंडिंग का जो एग्जाम्पल है वो है जैसे कि ऑइंटमेंट बना लेना वाउंड केयर के लिए ठीक है, वाउंड यानी कि घाव के लिए आपने देखा होगा ना ऑइंटमेंट पहले से ही बना के उन्होंने रख लिया, जैसे कोई आया
उनको पट्टी करनी थी, उन्होंने क्या किया, वो ऑइंटमेंट यूज कर लिया। या फिर आईवी सॉल्यूशन, अभी आगे आप पढ़ेंगे आईवी सॉल्यूशन, आईवी मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो आईवी सॉल्यूशन को भी लार्ज क्वांटिटी में बना के रख लिया, जैसे जैसे पेशेंट आए वैसे वैसे उनको देते गए, जिनको नीड थी, जिनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था उनको देते गए। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो बल्क क्वांटिटी का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी में कंपाउंडिंग बना के रख लेना। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज की। आईवी का मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस, ठीक है। एडमिक्सचर का मतलब क्या होता है, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक कंपाउंड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे जो हम मिक्स करेंगे वो क्या करेंगे, मेडिसिन को मिक्स करेंगे। अभी जो हमने कंपाउंडिंग पढ़ा था तो उसमें मेनली हमारा क्या होता था, हम मेडिसिन को क्रस्ट करते थे, यानी कि पीसते थे मोर्टार क्रिस्टल में, और जो पेशेंट है उनको ऑरली देते थे। बट कोई अगर ऐसा पेशेंट है हमारे पास जो ऑरल लेने के, यानी कि ऑरली लेने की हालत में नहीं है, ठीक है, जैसे कि वॉमिटिंग वाले पेशेंट्स हो गए, डायरिया वाले पेशेंट्स हो गए, तो हम उनको क्या करेंगे, कंपाउंडिंग जो करेंगे वो आईवी के थ्रू करेंगे। जैसे ग्लूकोज की बोतल में क्या करते हैं, जो हेल्थ केयर होते हैं लाइक नर्स हो गई, तो वो क्या करते हैं, ग्लूकोज के साथ साथ जो भी पेशेंट्स की नीड है मेडिसिन की, वो उनको ग्लूकोज में इंजेक्ट कर देते हैं, और वो ड्रिप के थ्रू कहां चली जाती है, आईवी यानी कि इंट्रावेनस में चली जाती है, और आपको जो ट्रीटमेंट है वो आपका प्रॉपर चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो हम मिक्स करके आईवी के थ्रू देते हैं, दैट इज कॉल्ड आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज, उसको बोला जाता है आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज। क्योंकि अभी आपने कंपाउंडिंग भी पढ़ा, कंपाउंडिंग में भी हम सेम चीज करते हैं, ये आईवी में भी सेम चीज करते हैं, बट जो बेसिक डिफरेंस है वो ये रहेगा कि उसमें हम ऑरली करते थे, मोर्टार क्रिस्टल से पीसते थे, ओरली पेशेंट्स को देते थे, बट इसमें जो मेडिसिन जो मिक्सर जाएगा वो आईवी के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें ये चीज याद रखनी है, ठीक है। जैसे आपने ग्लूकोज में देखा होगा कि अगर कोई पेशेंट है जो डायरिया वगैरह से सर्वाइव कर रहा है, वॉमिटिंग से सर्वाइव कर रहा है, तो उसको ग्लूकोज के साथ साथ क्या दी जाती है, वो नेसेसरी मेडिसिन दी जाती है जो उसके लिए नीड होती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक टाइप की प्रिपरेशन है मेडिसिन की, एक से ज्यादा मेडिकेशन की, ठीक है, इंट्रावेनस के थ्रू इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन को मिक्स किया जाता है इनटू ए सिंगल डोज, बट इसमें जो बेसिक डिफरेंस है, इसमें भी सिंगल डोज रहेगा नो डाउट, बट इसमें जो बेसिक डिफरेंस रहेगा वो रहेगा आईवी यानी कि इंट्रावेनस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईवी एडमिक्सचर बोलते हैं। इसका जो पर्टिकुलर मेन गोल है आईवी एडमिक्सचर का, वो पेशेंट्स को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। क्योंकि ये बात आपको पता होगा कि अगर हम ओरली मेडिसिन लेते हैं तो वो लेट काम करती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम आईवी के थ्रू कोई मेडिसिन देते हैं तो वो डायरेक्ट हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जाके जल्दी काम करती है। तो कहीं ना कहीं पेशेंट्स के लिए जो है वो सुटेबल कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कि जो हमारा आईवी एडमिक्सचर होता है वो भी हमारा फार्मासिस्ट के थ्रू ही प्रिपेयर होते हैं, जिसके पास लाइसेंस रहता है, और एडमिनिस्टर जो करेगा वो या तो नर्स करेगा या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल वहां का जो भी होगा वो करेगा, फार्मासिस्ट सिर्फ प्रिपेयर करेगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं आईवी एडमिक्सचर के, जैसे कि एंटीबायोटिक्स का एक सॉल्यूशन बना के प्रिपेयर कर देना, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा जो सर्जरी होती है, तो सर्जरी के बाद भी क्या है, आपने देखा होगा पेशेंट उसको ड्रिप लगी रहती है, तो वो ड्रिप में क्या करते हैं, वो पेन किलर मेडिकेशन जो भी होती है उनको ग्लूकोज में फिल कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अगर पेशेंट्स को होश आते हैं तो उसको कोई भी पेन फील ना हो। क्योंकि अगर किसी की सर्जरी हो रही है और वो बेहोश कंडीशन में, तो आप उसको ऑरली तो मेडिसिन दे नहीं सकते हो, तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के थ्रू उसके बॉडी में मेडिसिन पहुंचा देते हैं। तो पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स के बाद, मतलब सर्जरी के बाद जो पेशेंट्स होते हैं उनको पेन की मेडिकेशन को देना, ठीक है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जो क्रिटिकल कंडीशन होती है जिन पेशेंट्स की, उनको इलेक्ट्रोलाइट देना। नेक्स्ट इसमें आते हैं आईवी फ्लूड कॉमनली यूज्ड फॉर आईवी एडमिक्सचर, यानी कि यहाँ पे कुछ आईवी फ्लूड है जो हम एज ए आईवी एडमिक्सचर यूज करते हैं, जैसे कि डेक्सट्रोज है, ठीक है, इंजेक्शन के फॉर्म में इसको फिल करते हैं, कंसेंट्रेशन इतना है 2.5 to 50%, pH 3.5 to 6.5% है, और थेरेपेटिक यूज क्यों किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि जिनको जिसकी वजह से पेशेंट को न्यूट्रिशन की कमी ना हो। फिर यहाँ पे कुछ है डेक्सट्रोज, NaCl है, लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड है। तो ये क्या है, ये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन को रिप्लेस करें, न्यूट्रिशन की कमी ना होने दें, ठीक है, तो ये इसलिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है आईवी फ्लूड के और आईवी एडमिक्सचर के।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूड के कॉमनली यूज यानी कि क्लिनिकल कंडीशन में, कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में हम आईवी एडमिक्सचर फ्लूड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर बॉडी में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हम आईवी फ्लूड का यूज कर सकते हैं एज ए क्लिनिकली मोड। ठीक है, सेकंड इसमें क्या है, अगर बॉडी फ्लूड में डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम यूज कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। उसके बाद थर्ड, बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैंने अभी बताया आपको कि जो डेक्सट्रोज होता है उसको हम एज ए न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस करने में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एज ए व्हीकल फॉर अदर ड्रग सबस्टेंस, यानी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट्स है जो ऑरली मेडिसिन लेने में कैपेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज के थ्रू उसको वो पर्टिकुलर मेडिसिन दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अदर ड्रग्स होती है उनके लिए एज ए व्हीकल काम भी करते हैं, यानी कि एज ए वे, रास्ता, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी काम करता है, व्हीकल की तरह काम करता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं प्रोवाइड टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन क्या होते हैं, आगे आप पढ़ोगे, तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, जितना पेशेंट्स को पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो भी प्रोवाइड करता है। अब बात आती है इनकम्पैटिबिलिटीज। इनकम्पैटिबिलिटीज का मतलब यानी कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती है जब हम दो या दो से ज्यादा मेडिसिन मिक्स करके किसी पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है पेशेंट्स के लिए। सेकंड, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं वो आपस में रिएक्शन करके बनाना था कुछ और बना कुछ और दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी ना हो, वो भी पेशेंट्स के लिए इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। तो मेनली इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो दो टाइप से होती है, एक फिजिकली और एक केमिकली। फिजिकल का मतलब होता है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कलर चेंज हो जाना, तो उससे पता चल जाता है कि इन्होंने आपस में रिएक्शन कर दिया, ठीक है। कहीं पे अगर आप दो या दो से ज्यादा मेडिसिन को एड कर रहे हो तो कहीं पे वो ड्रग ड्रग इंट्रेक्शन कॉज ना करते, तो ये किस में आता है, केमिकली में आता है, ठीक है। तो फिजिकल अपीयरेंस और केमिकल दोनों ही इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। तो मेडिकेशन कैन बी इनकम्पैटिबल ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस सच एज प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन और न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जब हम दो मेडिसिन को आपस में मिलाते हैं तो हमें ध्यान रखना है केमिकली रिएक्शन ना हो और फिजिकल में कोई इनकम्पैटिबिलिटी ना हो, ठीक है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया या न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो आपस में अगर वो ड्रग ड्रग इंट्रेक्शन कर जाती है तो कहीं ना कहीं पेशेंट की जो सेफ्टी है वो खराब हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत हो सकता है, ठीक है। सेकंड इसमें आता है टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड दीज इनकम्पैटिबिलिटीज, यानी कि ये सबसे बड़ी बात है पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए और पेशेंट के इन इफेक्टिवनेस के लिए, ड्रग की इफेक्टिवनेस के लिए आपको इंश्योर होना है कि कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी ना हो, जैसे मैंने अभी बताया ड्रग ड्रग इंट्रेक्शन होना। एग्जाम्पल्स यहाँ पे है कुछ, जैसे कि आप अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स को अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ मिक्स करते हो तो कहीं ना कहीं ये ड्रग ड्रग रिएक्शन कर सकती है और इनएक्टिवेशन फॉर्म में आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट्स के इनकम्पैटिबिलिटी है और पेशेंट्स को क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं शो होगा, ठीक है, सेफ्टी प्रॉपर नहीं रहेगी। एक सेकंड इसमें है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कंटेनिंग सॉल्यूशन को फॉस्फेट कंटेनिंग सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा, जो कि क्या है, पेशेंट्स के लिए इनकम्पैटिबिलिटी है। जब प्रॉपर मेडिसिन सॉल्युबल ही नहीं होगी तो इफेक्टिव भी नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में टीपीएन बोलते हैं। तो यानी कि एक टाइप का मेथड होता है, एक टाइप की कंडीशन होती है जिसमें हम पेशेंट्स को क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन हम देते हैं वो आईवी के थ्रू देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, पेरेंट्रल, ठीक है, इंट्रावेनस के थ्रू देते हैं। यानी कि ऐसे पेशेंट जो माउथ से क्या है, फूड को इनटेक नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, या तो वो पेशेंट्स कोमा में हो सकता है, या फिर उसको कोई क्रिटिकल सर्जरी अभी हुई है, ठीक है, या फिर कोई बर्न विक्टिम है जो जल गया है पूरा। तो यानी कि ऐसे पेशेंट जो अपने माउथ से फूड को इनटेक नहीं कर सकते, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देते हैं। मेनली जो ये न्यूट्रिशन दिया जाता है ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सुपरविजन में दिया जाता है, कितना देना है, किस अमाउंट में देना है, क्योंकि ज्यादा देना भी पेशेंट्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। और जैसे कोमा वाले पेशेंट्स होते हैं, तो कोमा वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी जो न्यूट्रिशन दिया जाता है वो टीपीएन के थ्रू ही दिया जाता है, तो मेंटेन उनकी बॉडी, क्योंकि उनकी बॉडी तभी सर्वाइव कर पाएगी जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। भले ही पेशेंट जो है वो कोमा में है, लेकिन उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन मेथड है, ये एक टाइप का वैसा मेथड है जिसमें हम पेशेंट्स को जो न्यूट्रिशन देते हैं वो इंट्रावेनस के थ्रू देते हैं,
ठीक है, इसमें जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का कोई कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का इन्वॉल्वमेंट होता तो जो पेशेंट है वो माउथ से फूड को इनटेक करता, बट ऐसी हालत में अभी हमारा पेशेंट नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं, आईवी के थ्रू देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी कि जो टीपीएन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हेल्थ केयर सुपरविजर, हेल्थ केयर के जो भी वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके सुपरविजन में होता है। ठीक है, हर पेशेंट्स को कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना क्वांटिटी में हमें न्यूट्रिशन देना है, ये सब मॉनिटर करके दिया जाता है। उसके बाद जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनका काम है कि वो एक बार इंश्योर कर ले कि पेशेंट्स को वो प्रॉपर तरीके से रिसीव हो भी रहा है और जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस मूवमेंट में हो रहा है या नहीं, क्योंकि ज्यादा न्यूट्रिशन दे दिया तो भी हार्मफुल है और अगर कम न्यूट्रिशन देंगे तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन कंडीशन में हम टीपीएन यूज करते हैं, जैसे या तो कोई बहुत बीमार पेशेंट्स है या फिर कोई बर्न विक्टिम है जो जल गया है, ठीक है, या फिर किसी की सर्जरी हुई है और वो रिकवर हो रहे हैं और वो प्रॉपर तरीके से अभी क्या है, जैसे स्टमक वगैरह की कोई सर्जरी हुई है या जीआईटी में से किसी पार्ट की सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशन में हम क्या है अपने माउथ से तो फूड को इंटेक कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं टीपीएन को यूज कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन मेथड होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कहां पे पहुंचाता है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देता है यानी कि वेन्स में पहुंचा देता है वेन्स के थ्रू। ठीक है, वेन्स के थ्रू वो डायरेक्टली कहां पे चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, तो जीआईटी का यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये उन्हीं पेशेंट्स को दिया जाता है जैसे मैंने अभी बताया, जो पेशेंट जो होते हैं वो फूड को कंज्यूम करने में और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में अनेबल होते हैं, यानी कि वो किसी भी रीजन की, किसी भी मेडिकल कंडीशन या फिर सर्जरी प्रोसीजर की वजह से अगर वो अनेबल है तो उसी कंडीशन में ये टीपीएन यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो टीपीएन सॉल्यूशन होता है ये मेनली हमारा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स यानी कि जितने भी नेसेसरी न्यूट्रिशन होते हैं उन सब का एक कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट इसमें हमें बात करनी है टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन में इंडिकेशंस की, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो या तो अगर पेशेंट्स को क्या है शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें हमारा मेनली जो इंटेस्टाइन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू क्या, किसकी वजह से होता है, माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर की वजह से होता है, यानी कि जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाते तो उसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसको बोला गया शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। सेकेंड इसमें है अगर कोई इंजरी होती है या बर्न, जो मैं आपको अभी लास्ट टाइम में बता चुकी हूँ कि अगर कोई स्टमक इंजरी वगैरह होती है तो भी हम ये टीपीएन का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर कोई पेशेंट है जो बर्न कंडीशन में उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, कैंसर और ट्रॉमा में भी हम यूज कर सकते हैं, इंटेस्टाइनल सर्जरी अगर कुछ भी हुई है उसमें यूज कर सकते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो टीपीएन है वो नेचुरल कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि नेचुरल तो हम अपने माउथ से इनटेक करते हैं फूड, तो कुछ ना कुछ रिस्क और कॉम्प्लिकेशन तो हो सकती है, जैसे कि ब्लड क्लॉट्स हो सकता है, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है या फिर इन्फ्लामेशन हो सकता है वेन में। ठीक है, लीवर डिसफंक्शन हो सकता है, मेटाबॉलिक इंबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये क्या है एक आर्टिफिशियल टाइप की कंडीशंस है जो हम यूज करते हैं टीपीएन, ये क्या है आर्टिफिशियल है, नेचुरल तो नहीं है, नेचुरल तो माउथ से इंटेक करता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके बाद ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो टीपीएन के थ्रू हो सकती है। लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ड्रग कंपाउंडिंग विद सुटेबल एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग कंपाउंडिंग, थर्ड है डिफाइन बल्क कंपाउंडिंग इन डिटेल, या फिर क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रग कंपाउंडिंग एंड बल्क कंपाउंडिंग, फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन आईवी एडमिक्सचर इन डिटेल, एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। सारे क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में कवर हुए हैं, तो आप पहले वीडियो लेक्चर देख के उसके बाद इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें हमें बात करनी है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, उनके स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, डिस्पोजल के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस देन जॉइन अवर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक विल बी मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।